माय नेम इज़ सानिया खुर्शीद आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फोर टॉपिक वन मैट्रिसेस व्हाट इज़ मैट्रिसेस मैट्रिसेस क्या होते हैं हमारी द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम एलिमेंट्स को अरेंज करना रोज और कॉलम में मैट्रिक्स कहलाता है एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट एलिमेंट्स कहते हैं जैसे हमारे पास वन टू थ्री मैथ्स मैथ्स में जो नंबर्स होंगे हमारे पास वो एलिमेंट्स कहलाएंगे इसी तरह अल्फाबेट्स ए बी सी डी अप टू साउंड so कुछ भी हो सकता है ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं इनको हम अरेंज कर दें अगर रो और कॉलम में तो हमारे पास एक क्या बन जाती है एक मैट्रिक्स बन जाती है अब ये रो और कॉलम क्या है हमारे पास अगर मेरे पास सपोज कुछ नंबर्स हैं वन टू थ्री इनको मैंने हॉरीजोंटली लिखा है जब भी मैं बात हॉर्जोंटली करूँगी तो हमेशा मेरे पास रो कहलाएगी ठीक है जैसे मैंने वन टू थ्री लिखा हॉरिजॉन्टल तो ये मेरे पास क्या है रो है सही बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इन्हीं नंबर्स को अरेंज कर दूं वर्टिकली तो अब ये मेरे पास क्या कहलाएगी कॉलम इसी तरह एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर दूं रो वाइज एंड कॉलम वाइज तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी एक मैट्रिक्स बन जाएगी सपोज वन टू थ्री फोर हॉरिजॉन्टली नंबर्स है वर्टिकल हमारे पास नंबर्स है ठीक है जैसे हमने दो रोज बना दी दो कॉलम बना दी इसे हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दी तो ये हमारे पास क्या बन गया मैट्रिक्स बन गया ठीक है इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वन टू थ्री फोर ये हमारे पास क्या हो गई एक मैट्रिक्स हो गई ठीक है इसके बाद आते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता है ऑर्डर क्या एम क्रॉस एन ठीक है ऑर्डर को कैसे हम शो करेंगे हमेशा एम क्रॉस एन से शो करेंगे इसमें हमारे पास एम क्या होगा नंबर ऑफ रॉस और एन क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम मतलब हमें बस कोई भी मैट्रिक्स है हम उसमें रोज को काउंट करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे कॉलम को काउंट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे सपोज मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है इसमें मेरे पास रोज कितनी है रो मतलब मैंने जैसे कहा हॉरिजॉन्टली बात करेंगे हम ठीक है तो रोज कितनी है मेरे पास वन एंड टू कितनी रोज है नंबर ऑफ रोज कितने हैं एम वो कहते हैं नंबर ऑफ रोज एन को कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास दो रोज हैं ठीक है नंबर ऑफ क्रॉस क्रॉस और कॉलम कितने हैं वन एंड टू वर्टिकली हमने देखा टू कॉलम है तो मैं एन की जगह क्या लिख दूंगी टू तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया टू क्रॉस टू ठीक है हमेशा पहले नंबर ऑफ क्रॉस काउंट करके लिखेंगे और बाद में नंबर ऑफ कॉलम काउंट करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ठीक है ये ऑर्डर की बात होगी अब इसके बाद मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं उसमें से कुछ डिस्कस करते हैं हम ठीक है हमारे पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स की टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से हमेशा क्या जहन में आता है एक स्क्वायर स्क्वायर की फोर साइड हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसी तरह यहाँ पर है मतलब हमारे पास रोज और कॉलम अगर इक्वल है तो मेरे पास क्या कहलाएगी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ठीक है जैसे वन टू थ्री फोर इसमें रोज कितनी है? कितने हैं टू कॉलम कितने हैं टू रोज और कॉलम इक्वल हो गए तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास m इज इक्वल टू n है मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो हमारे पास क्या कहलाएंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ठीक है अच्छा और अगर m और n इक्वल ना हुए तो सपोज मेरे पास m और n इक्वल नहीं है तो भी कौन सी आएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाएगी क्यों जैसे कि रेक्टेंगल में फोर साइड इक्वल नहीं होती इस तरह से आप याद रखें ठीक है अब मैं इसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ सिक्स ठीक है अब इसमें काउंट करते हैं हम रोज कितनी है वन टू थ्री थ्री रोज हैं। ठीक है अब कॉलम काउंट करते हैं वन टू टू कॉलम्स हैं इसके तो मेरे पास थ्री क्रॉस टू बनता है मतलब एम की वैल्यू थ्री है और एन की वैल्यू टू है मतलब एम और एन नॉट इक्वल है तो अब ये मेरे पास क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स में एम और एन इक्वल होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एम और एन इक्वल नहीं होंगे ठीक है इसके बाद आगे मूव करते हैं डायग्न मैट्रिक्स पे अब डायग्नॉन मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास डायग्नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायग्नल में एलिमेंट्स मौजूद हो डायगनल ऐसे जैसे इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हो और इसके अलावा पूरे मैट्रिक में अदर एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जीरो हो तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैंने लिखा टू जीरो 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 थ्री जीरो 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 फोर ठीक है अब मैंने ये डायगनल में एलिमेंट्स लिखे इसे डायगनल कहेंगे हमेशा हम ये डायगनल में एलिमेंट्स लिखे हैं हमने डायगन एलिमेंट्स कहलाएंगे हमारे पास और अदर एलिमेंट्स मेरे पास क्या है जीरो हैं तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगनल में एलिमेंट्स मौजूद हों डायन में एलिमेंट्स मौजूद हों अदर एलिमेंट्स मेरे पास क्या हों जीरो हों क्या कहलाएगी डायगन मैट्रिक्स कहलाएगी ठीक है इसके बाद हम मूव करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगनल में एलिमेंट्स हों बट सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो सेम हो जैसे भी मैंने एक डायगनल मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रो करी अगर मेरे पास यही डाइंगल मैट्रिक्स हो पर सारे एलिमेंट्स मेरे पास क्या हो सेम हो और अदर एलिमेंट्स मेरे पास क्या हो जीरो हो तो मेरे पास ये क्या कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स को याद करने का एक तरीका एस फोर सेम एस फोर स्केलर सही अगर मेरे पास एलिमेंट सेम है तो एस फॉर वो स्केलर होगा तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी बिल्कुल इसी तरह से एक यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगन में एलिमेंट्स हो बट वो एलिमेंट क्या हो वन हो अगर मेरे पास डायग्राम में सारे एलिमेंट्स वन हैं तो मेरे पास ये क्या कहलाएंगे यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी वन के अलावा कोई भी एलिमेंट हो टू थ्री फोर अप टू सो ऑन नाइन 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 फोर फोर कुछ भी हो वो होगी स्केलर मैट्रिक्स बट वन अगर आ गया हमारे पास डायग्राम में तो हमारे पास वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी और यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स को हम हमेशा शो करते हैं आई से ठीक है यूनिट मैट्रिक्स को हम हमेशा शो करेंगे आई से ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ये हमारे पास डायगनर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हमने डिस्कस करी इसके बाद आगे फर्दर को डिस्कस करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़